मथुरा जिला जज की अदालत में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर रिवीजन के तौर पर न्यायालय ने सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल को रखी है, जहां न्यायालय श्री कृष्ण विराजमान द्वारा लगाई गई 13 से ज्यादा एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। जिला जज की अदालत में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के शाही ईदगाह कमेटी की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया। मुस्लिम पक्ष द्वारा श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को गलत बताते हुए कहा कि ये नॉट मेंटेबल है और इनको याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने पहले हुए समझौते का भी हवाला दिया। आपको बता दें कि श्री कृष्ण विराजमान पक्ष द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13 से ज्यादा एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर याचिका दायर की गई है। ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा बताया है। फिलहाल न्यायालय अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करेगा। अब 6 अप्रैल को जिला जज की अदालत में डिविजन के तौर पर चल रही श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर न्यायालय सुनवाई करेगा, पर याचिकाकर्ता इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। कानूनी स्थिति ये है कि 1991 में जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे नरसिंहा राव जी, और ये बाबरी मस्जिद जन्मभूमि जो डिस्प्यूट चल रहा था उस वक्त एक एक्ट वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लाए थे कि कम्युनल हारमोनी बनी रहे, और उसके तहत ये मेंशन किया गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो जिस सिचुएशन में है उसे किसी भी रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा और कोई भी कन्वर्जन के संबंध में कोई भी सूट फाइल नहीं होगा। तो वो प्ली हमारे द्वारा बाकायदा ली गई, एक एप्लीकेशन मूव की गई, उस पर भी आर्गूमेंट किया गया क्योंकि आप ये जो मस्जिद हमारी बनी हुई है प्लेंटिफ के खुद के मुताबिक ये औरंगजेब ने बनवाई थी 16वीं शताब्दी में, इसका मतलब है 15 अगस्त 1947 से पहले एग्जिस्ट कर रही है, और आपने मुकदमा ये फाइल किया है कि इस मस्जिद को हटाकर इसे कृष्ण जन्मभूमि के रूप में या मंदिर बनाया जाए, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस प्लेस। तो हमारे द्वारा ये प्ली ली गई कि आपका जो सूट है वो 1991 के एक्ट से बार्ड है क्योंकि सूट ही आपका लाइन नहीं करता था, इसलिए अपील और रिवीजन किसी भी रूप में चलने लायक नहीं है, उन्हें इसी स्तर पर खारिज किया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात समाप्त हो गई और जो भी पॉइंट उन लोगों ने रेज किया है उन सबका यथोचित उत्तर हमारे पास है। 6 अप्रैल कोर्ट ने लगाया है, 6 अप्रैल को सारे बिंदुओं पर मैं जवाब दूंगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है, इसको साबित करना हमारा दायित्व है और उसको मैं साबित करूंगा। और जो भी बातें कही गई हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ तथ्यों के विपरीत, और जो ना एप्लीकेबल नहीं है उसको लेकर बात कही गई है। ठीक है, उनको कहना था, उन्होंने कहा, अब हमारी ड्यूटी है कि जो भी आया है उधर से उन सब का मैं जवाब दूँ। और जो ये सवाल है कि मस्जिद नहीं थी, मस्जिद बाद में बन गई, पहले बन गई, ये तो सब एविडेंस की बात है। अभी तो सवाल ये है कि दावा एडमिट हो या ना हो, और हमारे पास सबूत है कि एक मंदिर थी, मंदिर तोड़कर उसके बाद जो तथाकथित मस्जिद बनाई गई और वो भी मस्जिद मराठाओं के समय में समाप्त कर दी गई थी, उसके बाद फिर दोबारा कब्जा कर लिया। ये सारी बातें मैं बताऊँगा कोर्ट को। कोर्ट को गुमराह करने के लिए बहुत से बिंदु उठाए गए हैं, तो बिंदु ऐसे हैं कि अभी उन पर बात करना ज्यादा उचित नहीं है, उन सब का रिप्लाई 6 अप्रैल को देंगे। मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ ट्रैक के लिए मैं श्रुति शुक्ला।